खबर बक्सर से। गंगा में लगातार बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की आशंका को देखते हुए एक बार फिर दियारा इलाके के लोगों को डराना शुरू कर दिया है। दरअसल जब जब बाढ़ की स्थिति आती है, खासकर गंगा के तटवर्ती इलाके इसके निशाने पर होते हैं और वहां भारी तबाही होती है। जिला मुख्यालय से सटे सदर प्रखंड के मजरिया गांव के लोग आज भी 2013 के बाढ़ की विभीषिका को याद कर दहल उठते हैं। साथ ही साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं। मामला 2013 का है, जब प्रलयंकारी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई थी। 2013 के बाढ़ में मजरिया गांव का मुख्य संपर्क पथ पूरी तरह से तबाह हो गया। तब से लेकर आज तक इस संपर्क पथ का न तो कायाकल्प हो सका और न ही इस ओर किसी ने अब तक ध्यान दिया। 2013 के बाद लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव हुए। हमारे रोड के लिए जनप्रतिनिधि केवल आश्वासन देते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं होता है। आइए आपको हम रोड के बारे में दिखाते हैं, हमारी गांव की सड़क कैसी है, कितनी टूट गई है। प्रतिदिन ऐसा लगता है कि लोग अपने बच्चे बीबी के साथ एक्सीडेंट होकर गिर जाएंगे, ऐसी स्थिति हमारे गाँव की। सड़क की मरम्मत की कारण को लेकर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि से एक बार नहीं बल्कि लगातार कई बार गुहार भी लगाया, लेकिन आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब एक बार फिर बाढ़ की आशंका को देखते हुए ग्रामीणों का दर्द छलका है और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी साफ दिख रही है। तिवारी जी से क्या टव है, उन्होंने तो कुछ यहाँ पर काम ही नहीं किया। जिस गांव में जाते हैं उनको बोलता है लोग कि आएंगे तो हम लोग दरवाजा से घर से भी नहीं निकलेंगे, उनसे मिलेंगे भी नहीं। उन्होंने हमारी समस्या तक नहीं सुना, गाड़ी के शीशा बंद करके निकल जाते हैं। उनको कितने बार हम जैसे अभी बनारपुर गाँव में गए, 5 गाँव के लोग जुटे हुए थे, बोले कि हमारी अनेक समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। हम तो हमारी समस्याएं तो सुनते हैं, उन्होंने समस्या सुनना तो दूर की बात, उन्होंने शीशा बंद करके यहीं से गुजरे और हमारी समस्या नहीं सुने। हमें बुलाया गया था समस्याएं सुनने के लिए, हम उनकी समस्याएं सुनने, हम उनको आश्वासन दिए हैं कि इस बार अगर मुझे टिकट मिलता है तो हम आपकी समस्याएं को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रवि मिश्रा, SDF न्यूज, बक्सर।